गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम है यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट। मतलब हम कोई भी चीज़ मेज़र करते हैं, उनको मेज़र करने की हमारे पास कुछ यूनिट्स होती हैं। जैसे आप लोग लेंथ मेज़र करते हो, लेंथ को आप किस में मेज़र करते हो? मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, इस तरह से। मास है, मास को मेज़र करते हो आप किसके अंदर? ग्राम में, किलोग्राम में। तो कहने का मतलब है कोई भी चीज़ हम मेज़र करें तो उसकी कुछ ना कुछ यूनिट होती है, और वो यूनिट्स को अब हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है जी, यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट हमारे पास दो तरह की होती हैं। वैसे तो एक को हम नाम देते हैं फंडामेंटल यूनिट, और दूसरी यूनिट का नाम होता है डिराइव्ड यूनिट्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंडामेंटल यूनिट्स किन्हें कहा गया है। फंडामेंटल यूनिट उन यूनिट्स को बोला गया है जिन यूनिट को एक दूसरे के अंदर हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते, या किसी दूसरी यूनिट की हेल्प से हम इनको बना नहीं सकते। कैसे? एक बार देखो, दीज आर दोज यूनिट्स विच कैन नाइदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर। मतलब ऐसी यूनिट्स हैं जिनको हम एक दूसरे की हेल्प से क्रिएट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। नोर दे कैन बी फर्दर रिजोल्व्ड इनटू एनी अदर यूनिट्स। ना तो आप इन यूनिट्स को डिराइव कर सकते हो एक दूसरे की हेल्प से, और ना ही किसी दूसरी तरह की यूनिट में आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि इन्हें हम लोग इंडिपेंडेंट यूनिट्स नाम देते हैं। एक इंडिपेंडेंट मतलब किसी दूसरी यूनिट के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती। तीन यूनिट हमारे पास ऐसी हैं, मास, लेंथ एंड टाइम, जिन्हें हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स नाम देते हैं। क्योंकि मास को आप दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके नहीं ऑब्टेन कर सकते। मतलब मास को आप लेंथ इंटू टाइम या लेंथ डिवाइड बाय टाइम करके ऑब्टेन नहीं कर सकते। मतलब एक दूसरे की हेल्प से आप इनको बना नहीं सकते, ना इनको किसी दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। मास को आप लीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इस तरह से। तो मास, लेंथ एंड टाइम, ये हमारे पास फंडामेंटल यूनिट हो गई है। सबको समझ आ गया? ऐसी यूनिट्स जिनको किसी दूसरी यूनिट के अंदर कन्वर्ट ना किया जा सके, और ना ही एक दूसरे की हेल्प से हम इनको बना सकते हैं, इन्हें हम फंडामेंटल यूनिट नाम देते हैं। तीन ही फंडामेंटल यूनिट हैं, मास, लेंथ, टाइम। हालांकि बाद में इनके 7 बना दी गई और उनको नाम दे दिया गया बेसिक यूनिट्स। ठीक है, वो मैं अभी बाद में डिस्कस कराऊंगा आपको। अब इन मास, लेंथ और टाइम, या जो हमारी बेसिक यूनिट जो मैं बता रहा हूँ, उनको मेज़र करने के हमारे पास सिस्टम कितने हैं। ठीक है, चार सिस्टम हमारे पास ऐसे हैं जिनके अंदर हम इन यूनिट्स को मेज़र कर सकते हैं। सबसे पहला सिस्टम का नाम दिया गया है CGS सिस्टम। सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकेंड। ये तीन ही तो चीज़ें हैं, मास, लेंथ और टाइम, और इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हुए ये सिस्टम बनाए गए हैं। CGS, इन दिस सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड इन ग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। तो हमारे पास फर्स्ट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो है वो CGS सिस्टम है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। ठीक है जी, जिसके अंदर हमारी लेंथ सेंटीमीटर में मेज़र होएगी, मास ग्राम में मेज़र होएगा, और टाइम सेकंड में मेज़र होएगा। दूसरा सिस्टम हमारे पास है FPS सिस्टम। F जो है यहाँ पर फुट के लिए है, यानी कि यहाँ पर लेंथ जो है वो फुट में मेज़र होएगी, और P पाउंड के लिए है, मतलब यहाँ मास जो है वो पाउंड में मेज़र किया जाएगा, और S जो है वो सेकेंड है, यानी कि टाइम सेकेंड में मेज़र किया जाएगा। थर्ड सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट जो सा हमारे पास है, इट इज़ कॉल्ड MKS सिस्टम। M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकेंड। यानी कि सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट में लेंथ जो है वो मीटर में मेज़र करी जाती है, मास जो है वो किलोग्राम में मेज़र किया जाता है, और टाइम जो है वो सेकंड्स में मेज़र किया जाता है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। और इस सिस्टम को हम लोगों ने
एक नाम दिया है मैट्रिक सिस्टम, तो इसे हम मैट्रिक सिस्टम के नाम से भी जानते हैं एम के आर सिस्टम को, ठीक है। लास्ट सिस्टम जो हमारे पास है फोर, इट इज कॉल्ड एस आई सिस्टम। इसका पूरा नेम एस मतलब सिस्टम, आई मतलब इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल, या कह दो आप इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसको थ्रू आउट वर्ल्ड एज ए स्टैंडर्ड सिस्टम ले लिया मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो दिस सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन सिस्टम इम्प्लॉयड थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जिसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड ले रखा है कि यही इसी तरह से मेजर करना है आपको कोई भी चीज़, उसको हम लोग एसआई सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 7 बेसिक यूनिट हैं और उन 7 बेसिक यूनिट को एसआई सिस्टम में कैसे मेजर करते हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। हमारे पास है 7 बेसिक यूनिट्स इन एस आई सिस्टम, ठीक है। एस आई सिस्टम के अंदर हमारी 7 बेसिक यूनिट और उनको हम कैसे मेजर करेंगे ये मैं आपको बता दूं। 7 बेसिक यूनिट में सबसे पहली हमारे पास हो गई मास, जिसका सिंबल स्मॉल m होता है मास, और इसको मेजर किया जाता है किलोग्राम, जिसका सिंबल होता है kg, ठीक है। सबसे पहला तो ये हमारे पास हो गया मास। सेकेंड लेंथ स्मॉल एल सिंबल, मीटर, लेंथ को थ्रू आउट द वर्ल्ड मीटर में मेजर करते हैं एज ए स्टैंडर्ड सिस्टम। टाइम स्मॉल टीस का सिंबल है, सेकेंड्स में मेजर करते हैं हम इसको थ्रू आउट द वर्ल्ड एज अ स्टैंडर्ड सिस्टम, और स्मॉल एस इसका सिंबल रहता है। टेम्परेचर फोर्थ सिस्टम जो हमारे पास है बेसिक यूनिट में वो टेम्परेचर है, और कैपिटल टी इसका सिंबल है केल्विन में मेजर किया जाता है। टेम्परेचर के बाद हमारे पास आता है करंट, करंट का सिंबल हमारे पास आई होता है, और करंट को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं, जिसका सिंबल हमारे पास ए होता है। नेक्स्ट वन है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, आई वी इसका सिंबल है, कैंडेला में इसको मेजर करते हैं, सी डी इसका सिंबल हो गया सी कैंडेला। एंड लास्ट वन इज क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर जो सी हमारी इसको हम एन नोट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मोल में इसको मेजर किया जाता है एम ओ एल, इसको शॉर्ट में लिखें। तो ये हमारे पास 7 यूनिट ऐसी हैं, 7 बेसिक यूनिट जिनको हम लोग थ्रू आउट द वर्ल्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं, और किस किस में मेजर करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। तो ये था हमारे पास फंडामेंटल यूनिट के बारे में, 3 ही है फंडामेंटल यूनिट, तो मास लेंथ टाइम, और अगर ये 4 और ऐड कर दी जाए तो ये 7 की 7 बन गई है बेसिक यूनिट,
ठीक है। अब और जितनी भी यूनिट्स आपकी हैं, कोई भी यूनिट है और, वो सभी यूनिट्स इनकी हेल्प से डिराइव होती हैं, उन्हें हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स नाम देते हैं। मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। डिराइव्ड यूनिट्स किन्हें बोला गया? दीज आर दोज यूनिट्स विच कैन बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ वन और मोर फंडामेंटल यूनिट। एक या एक से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से जिसे हम लोग डिराइव करेंगे, उसे हम लोगों ने नाम दे दिया डिराइव्ड यूनिट। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे एरिया है, एरिया की अपनी कोई यूनिट ने डिराइव करी जाएगी। एरिया हमें पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ भी हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और ब्रेथ भी किस में मेजर करते हैं, मीटर में। ऐसा ही सिस्टम है अभी आपको बताया मैंने, ठीक है। तो इसका क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। तो एरिया की यूनिट क्या बन गई, मीटर स्क्वायर, ऐसा ही सिस्टम के अंदर। तो ये एक डिराइव्ड यूनिट है क्योंकि इसकी अपनी यूनिट नहीं थी, इसको हमने फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से डिराइव किया है। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ भी मीटर में, ब्रेथ भी मीटर में, हाइट भी मीटर में। तो ये हमारे पास बन गई है मीटर क्यूब। ये एक डिराइव्ड यूनिट है। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होती है, ठीक है। तो मास किलोग्राम में होता है सही सिस्टम के अंदर, और वॉल्यूम जो सी हमारी अभी हम लोगों ने देखा मीटर क्यूब। तो यूनिट बन गई किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऊपर ले गए माइनस का आ गया। तो ये जो यूनिट्स हैं ये डिराइव्ड यूनिट्स हैं क्योंकि इनकी अपनी यूनिट नहीं है, इनको हमने डिराइव किया है, बनाया है विद द हेल्प ऑफ वन और मोर फंडामेंटल यूनिट। तो दो यूनिट हो गई, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट वो जिनको किसी दूसरी यूनिट की हेल्प से बनाया ना जा सके, और डिराइव्ड यूनिट वो जिन्हें हम एक एक से ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से डिराइव करते हैं, ठीक है जी। और सेवन बेसिक यूनिट ऐसी हैं जिनको थ्रू आउट द वर्ल्ड एज ए स्टैंडर्ड ले रखा है मेजरमेंट के लिए, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में, सिंपल सा टॉपिक था बिल्कुल। कल मैं आपको कोई नया टॉपिक आपको डिस्कस करवाऊंगा प्लस वन क्लास के लिए। थैंक यू वेरी मच।